प्रेगनेंसी में शुगर अगर आपको आ गया है तो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आज के वीडियो में आपको समझ में आएगा। बड़ा इजी सॉल्यूशन बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल है। स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को समझेंगे कि किस लेवल तक क्या करना है, फिर किस लेवल तक हमको क्या करना है। हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब मॉम चैनल। होप यू आर पॉजिटिव एंड एंजॉइंग योर प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में अगर आपका वजन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्रेविंग्स हो रही हैं, आपको बहुत भूख लग रही पर एनर्जी आपको बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही, आप बार बार थकान महसूस कर रही हैं, तो अपनी शुगर टेस्ट कराएं। लगभग आपके डॉक्टर खुद ही 24 हफ्ते के आसपास इस टेस्ट को करते हैं और तब ये डिटेक्ट होता है, तो आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। आप डर जाती हैं एक बार रिपोर्ट में आता है जेस्टेशनल डायबिटीज, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, ये टेम्पररी कंडीशन है और इसको आप हरा सकती हैं। चलिए हराना कैसे है उसको समझते हैं। तो थ्री स्टेप में रेमेडी की जाती है। डॉक्टर भी इमीडिएटली मेडिकेशन नहीं देते हैं अगर कंडीशन कंट्रोल कर सकती हैं आप। तो सबसे पहला स्टेप है डाइट का, दूसरा है एक्सरसाइज का, तीसरा है मेडिकेशन का। डाइट में क्या करना है आपको? डाइट में सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 6 बार खाना खाना है। ऐसा नहीं कि सुबह उठे और नाश्ता बनाए, 1-2 घंटे बाद नाश्ता किया और फिर सीधे हम शाम को चाय के समय कुछ खा रहे हैं, हम कह रहे हैं हमें भूख ही नहीं लगी है। तो अपना खाना एक तो हल्का रखें ताकि टाइम टाइम से भूख लग सके। एक बार में ज्यादा नहीं खाना है, 3 मील 3 स्नैक्स का रूटीन आपको रखना है और ये डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत जरूरी है। अदरवाइज प्री टर्म डिलीवरी या फिर कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस का आपको सामना करना पड़ सकता है। स्नैकिंग जो आप रखते हैं उसमें मखाने रख सकते हैं, नट्स रख सकते हैं, फ्रूट्स रखते हैं जो ज्यादा मीठे ना हो। जो भी मिठाइयां हैं उनसे आपको बचना है। जो प्राकृतिक मीठी चीजें हैं उनको आप खाएं और अगर आप टाइम टाइम से मील लेंगे तो आपको मीठे की कभी क्रेविंग नहीं होगी। अगर होती है तो प्राकृतिक चीजों को आपको लेना है। मिलेट्स जैसे कि रागी, कुटकी, बाजरा, गेहूं की जगह पर इन चीजों को इस्तेमाल करें। इसका रोटी बना सकते हैं, इसका दलिया, चावल, इनको बनाकर आप यूज कर सकते हैं। डायबिटीज की कंडीशन में भी बच्चे को मजबूत रखने, तंदुरुस्त रखने और आपको स्वस्थ रखने में ये मिलेट्स बहुत हेल्प करेंगे। अब बात आती है एक्सरसाइज की। तो प्रेगनेंसी में अगर आपको शुगर डिटेक्ट हुआ है तो एक्सरसाइज से आप बच नहीं सकते। अब आपको करनी है खुद को ठीक रखने के लिए, शुगर लेवल को कंट्रोल रखने के लिए। 30 मिनट एक्सरसाइज, वॉक कर लें, स्विमिंग कर लें, हल्का फुल्का डांस कर लें अपनी कंडीशन को देखते हुए। तो स्लो और कंफर्टेबल तरीके से 30 मिनट वर्कआउट जरूरी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 30 मिनट एक ही बार में किया जाए। 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम आप कर सकते हैं। अगर आप योगा जानते हैं तो योगा भी आप कर सकते हैं और योगा पर हमारे भी कई वीडियोस हैं, उन्हें आप जरूर फॉलो करें। पता चलना चाहिए आपको कि योगा करना कौन सा है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। इसमें हल्का फुल्का आप वेट लेते हैं सिटिंग और कंफर्टेबल पोजीशन में। अगर आप कमेंट करेंगे, अगर आप जानना चाहेंगे तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस पर भी हम आपके साथ वीडियो जरूर शेयर करेंगे। अब बात आती है मेडिकेशन की। पहले 2 स्टेप अगर फेल हो जाते हैं तो शुगर कंट्रोल के लिए डॉक्टर आपको मेडिसिन देते हैं, या फिर प्रेगनेंसी में आपको रिस्क ज्यादा है तो डाइट एंड एक्सरसाइज तो आपको छोड़ना ही नहीं है। शुगर लेवल बिल्कुल गलत जा रहा है तो ऐसे में डाइट एंड एक्सरसाइज के साथ साथ आप मेडिकेशन लेते हैं तो कंडीशन स्टेबल हो जाती है और प्रेगनेंसी आपकी सुरक्षित रहती है। होप यू लाइक दिस वीडियो। स्टे पॉजिटिव, स्टे ट्यून्ड विद अस। बाय बाय।